हमारे थ्रू जो है जिनसे हमने कुछ सीखा है, उन्होंने हमें सबसे पहली बात ये सिखाई थी कि कोई भी व्यापार, व्यापार शब्द इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि आपको आगे में बताने वाला हूँ क्यों, कोई भी व्यापार या कोई भी व्यापारी तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने दुकान को मंदिर समझे और ग्राहक को भगवान। मुझे यहाँ एक सवाल, स्टेज पे हम जब जाते हैं तो स्टेज के पैर चुके जाते हैं और परिवार के और पैर चुके जाते हैं और साथ में ये सोचते हैं कि हे भगवान आज हमसे कोई ऐसी बात ना करवा देना या ऐसी कोई हमसे कोई हरकत मत करवा देना जिसकी वजह से ऑडियंस हमें नापसंद करे। ये जाते हैं आज की ऑडियंस, तो अभी देखा मैं यूट्यूबर्स देखिए आप टी शर्ट पहन कर आते हैं पब्लिक के सामने, पब्लिक नहा धो के आती है, ये ऐसे होते हैं 3 महीने से नहाए, गंदी गंदी बातें करते, वो कहते कि मेरे पापा पॉर्न देख रहे थे, मेरी मम्मी टिंडर पे है, मेरा चाचा ये है, इस तरह के जोक करते हुए और उनको जितने लाइक्स जितने यूट्यूब को अमेजोन जैसी और जो दो चार कंपनियाँ शर्म आई चीन कंपनियों को वो जितना उनको प्रमोट करती है, AI की आप खुल के नाम नहीं ले सकते उस चीज़ का, आपको हमें बताते शर्म आती कि उस कंपनी को इतना प्रमोट किया गया, इतना हिंदुस्तान में प्रमोट किया गया कि जिसकी हद नहीं। हम अगर अच्छा कंटेंट करते हैं तो हमें ट्रोल किया जाता है, हमें गालियाँ दी जाती है और वो गालियाँ देकर परफॉर्म करते हैं तो उनको नीचे तारीफ, क्योंकि ये एक पूरी तरह माइंडसेट नहीं है। और वो छोड़ नहीं है, आप सुन लीजिए, वो छोड़ देता है हर चीज को और वो अपने पिताजी को ये कहता है कि मैं हार गया, ये सब गलत किया मैंने, मुझे ये छोड़ना है। सो द एंड ऑफ द मूवी इज कि बच्चे ये देखेंगे कि ये हीरो लग रहा था लेकिन ऐसा करने से हमारी हालत ऐसी हो जाती है। मुझे प्रॉब्लम पिक्चर्स, संजू जैसे पिक्चर्स से मुझे प्रॉब्लम है जहाँ पे आप कुछ भी करते हैं लेकिन फिर भी आप हीरो रहते हैं। अच्छा, इसका मतलब कि कोई कॉमेडियन वल्गर चीजें करके विरोध विरोध बातें करके फॉल लेवल इस्तेमाल करके अरबों रुपए कमा लेता है और एंड में बोलता है यार मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद नहीं करूंगा, तो आप हम उसको माफ कर देंगे? ये कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हैं। कैसे? ये एक लाइफ स्टोरी है और आप 2 मिनट, किस्सा और कहानी ये दो अलग चीजें हैं। जब आप एक कहानी बताते हैं ना तो उसके आगे पीछे कुछ होता है, जब आप किस्सा बताते हैं ना तो आगे पीछे कुछ नहीं होता, लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। आजकल जो गालियां देके कॉमेडी करना जो शुरू किया है लोगों ने, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, सॉरी इफ आई एम हर्टिंग योर सेंटीमेंट्स, लेकिन जो किसी को नीचा दिखा के गालियां देके अगर आप हंस रहे हैं तो वो गलत है। एकदम सही। तो एक निष्कर्ष निकला हुआ है कि फिलहाल सामाजिक मानसिकता ही कुछ ऐसी हो गई है जिसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम लोगों को वल्गैरिटी ज्यादा पसंद है और सात्विकता बहुत हमें पसंद नहीं है। जिसकी वजह से आपको समाज के या कहीं पर या फैमिली में शर्मिंदगी उठानी पड़े, मैं आपको एक बात बताऊं, 2 मिनट पहले मुझे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि एक तो मुझे मारेंगे पकड़ के, उसके उपज इसीलिए की गई थी कि नाट्य के थ्रू हम कुछ सिखाएं, मतलब जो एजुटेनमेंट आज जो चल रहा है एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट, और वो सटल एंटरटेनमेंट होता है, उसको चौक एंड बोर्ड की तरह नहीं। तो हर एक आर्ट फॉर्म की ये ड्यूटी है कि हम कुछ सिखाएं, उसके थ्रू कुछ सीखें या सिखाएं। तो हमें अपने ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स का स्तर ऊंचा करना है, हमारा स्तर नहीं नीचे करना है एज एन आर्टिस्ट, फिर आप कोई भी आर्ट नहीं है, ऐसा जरूरी है। नम्रता जी को मैं दे दीजिए, इन सब को आपने सुना, राइट? यस। यू आर इनटू बिजनेस? यस। यू प्रमोट सो मेनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड ब्रिंग देम टू वन प्लेटफॉर्म। सो नाउ आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट आर द चैलेंजेस टू मेंटेन द एथिकलिटी ऑफ दिस एंटायर नेटवर्क? देयर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, बट हम सबसे पहले ये चैलेंज को डील करते हैं जो सपना जी ने कहा, हमारी कम्युनिटी में मोर देन 30,000 एंटरप्रेन्योर्स है और उनमें से कोई हमको ये नहीं बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम उनको बोलते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर्स हो ही नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप खुद की कंपनी में काम कर रहे हो, जिस दिन आप एंटरप्रेन्योर बनोगे ना उस दिन आपके पास टाइम ही टाइम होगा। तो जब हम उनको बिजनेस सिस्टम और प्रोसेस डिपेंडेंस सिखाते हैं और उनको ये बोलते हैं कि आपका बिजनेस 10 टाइम ह्यूमर से मल्टीप्लाई, आई मीन गुड ह्यूमर ऑफ कोर्स, तो हमारे कोर वैल्यूज में हम कैसे स्ट्रेस निकाल के बिजनेसेस को 10x यू नो इजीली एंड एफोर्टलेसली सिस्टम और प्रोसेस डेवलपमेंट कैसे करना है, क्योंकि आजकल स्टार्टअप किसी के साथ भी स्टार्ट
पता चलता है विद इन वन ईयर स्टार्टअप्स कम टू अस कि अभी हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कैसे करें, मेरा तो इसके साथ जमता नहीं है. दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. बहुत सारी गलतियां करके रखी है ये हमें नहीं पता है. बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, सोसाइटी का ग्रुप, घर का ग्रुप, स्कूल का ग्रुप, कॉलेज का ग्रुप, तो हर किसी को आंसर देना है, हर जगह पहुंचना है. इस भीड़ में क्या हो जाता है, आप सेल्फ अवेयरनेस भूल जाते हैं, आपको कोई क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना है. तो फिर आपको टाइम रहता तो आप फोन में या ईमेल में या व्हाट्सएप में घुस जाते. यू डोंट वांट टू फेस योरसेल्फ. ये जो सारी चीजें है, म्यूजिक है, डांस है, वो आपको अपने आप से जोड़ देता है. आप सारे सवालों का उत्तर अपने आप को दे देते हो. एंड दैट्स वेयर ऑल द सोलेस कम्स फ्रॉम. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन यू. आई वुड लाइक टू जरा पूरे यार इसकी फोटो कर. शी इज वन गाइडिंग फोर्स. आई ऑलवेज बदर शी टेल्स मी कि अच्छा वो सब छोड़ो, क्या काम है पहले बताओ. तुमने मुझे याद किया तो कुछ काम ही होगा. नोट की नहीं मतलब नोट मतलब सूचना की बात कर रहा हूँ. आपको सूचना की अलग अलग टाइप की जिसको हम नजर एंशन करते हैं उसकी बात कर रहा हूँ. तो आज मैं इस खुशी के मौके पर आया हूँ और मैं दो चार आवाजें आपके सामने पेश कर देता हूँ. मुझे पता है आप लोग अलग मोड में हैं, अलग मूड में हैं. शोमा जी यहाँ पर इतनी बड़ी सिंगर है. शोमा जी का के घर पे मेरा दोस्त होता है रियाज. रियाज नाम है उसका. कितना इत्तेफाक है, देखिए कि ये शास्त्रीय संगीत, भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत गाती है और उसका नाम रियाज इंडियन है. हाँ, रियाज. हम भी सुबह सुबह रोज रियाज करते हैं. आपको मैं बता दूं, एक दिन वो अदनान स्वामी के पास काम करता था तो अचानक फोन आया कि भाई मुझे बचा लो, आज मैं दब के मर जाऊंगा. उनका क्यों बोले अदनान भाई किसी को फोन पे कह रहे थे कि मुझे बचा लो, बहुत दिन से मैं रियाज करी बेटा, आज रियाज पे बैठूंगा. तो ये सब भी चलते हुई तो आज के इस फंक्शन में जो सातों वर्धा वर्धापन दिन है, वर्धा सिंह में अच्छी बात है. इधर साथ भैया क्या एक स्टेज दो हिस्सों में बटा हुआ है, ग्यारह बार तो पब्लिकेशन में बटा है. तो ये छह इधर ग्यारह इधर है, तो ग्यारहवीं वर्धापन दिन है इस पर आज हम सब यहाँ पे. तो अगर शुभकामना देने के लिए मोदी जी आते, हमारे पीएम साहब, आपको पता मोदी जी इतना हवाई जहाज की यात्रा कर चुके हैं कि अब बातचीत भी करते तो लगता है कि हवाई जहाज में बैठे हैं. मित्र मेरे आप तरुण वॉइस के भाई बहन, आज मैं शुभकामना देने को जाने वाला था परंतु 8 बजे मुझे टीवी पे आना है, इसलिए मैं यहां नहीं आ सका. तो मेरा मन में जो है आपको सुनाएगा सुनील भाई. मित्रों मत रो,
अगले वर्ष आऊंगा व्यायाम में रहा आराम सबको। जब 12वां वर्धापन दिवस होगा अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद अमित शाह जी अगर वो आते वो भी आज बिजी है तो उन्होंने भी अपना भाषण दे दिया। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि देश में जितनी भी समस्या है सारी समस्या खत्म हो जाए इंक्लूडिंग कश्मीर समस्या। जो बंदा और बंदी हमको सटा रहे थे उनको हमने नजरबंदी कर दिया। एक तरफ ताना साहब दूसरी तरफ अमित साहब। रिश्ते में हम सबके बाप होते हैं नाम है अमित शाह। मिठू इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सुरक्षित है अब आप लोग कश्मीर खुले हम घूम सकते हैं वहां की कन्याकुमारी से शादी कर सकते हैं। लेकिन छेड़ना मत लड़की को छेड़ना मत। जो छेड़ेंगे उनसे कहना चाहता हूँ मिठू लड़की को वहां छेड़ना नहीं जो है वहां कन्याकुमारी उनको बहन समझो वह ब्रह्म कुमारी। हमारे रामदास आठवले साहब आज के लोग पता है आपको शेर व शायरी करते रहते हैं लोकसभा को उन्होंने मुशायरा समझ रखा है। वो शेर व शायरी अंदाज में कहते हैं मार्केट में लोग शेर सुना रहे हैं नल्ले नल्ले मार्केट में लोग शेर सुना रहे हैं नल्ले नल्ले उनसे अच्छा शायर तो आपका रामदास आठवले। मुझे लोग वानर समझते हैं इस बात का मुझे अनुमान है। मुझे लोग वानर समझते हैं इस बात का मुझे अनुमान है क्योंकि रामदास का मतलब ही हनुमान है। आजम खान साहब ने पिछली बार लोकसभा के स्पीकर में मोहतरमा को कुछ कह दिया था आपको पता है बड़ा न्यूज हो गई थी तो मैंने सोचा कि वो कैसे संभाल लिया उन्होंने। बहुत अच्छा लग रहा है दे धक्का देश चलाना है ये अपने आप में एक देश के साथ में अवेयरनेस के साथ में जाता है। इसलिए हमारे गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह अगर होते थे कहते हैं जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है इस विषय में देश चलाना है दे धक्का ये मेरे फेवरेट विषय है। इसलिए भाई नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर की समस्त जनता इसके साथ है और केवल कश्मीर ही नहीं मुझे लगता है कि पूरे भारत की जनता इनके साथ में है क्योंकि जब से कश्मीर में धारा 370 हमने हटाई है अब जनता मुझे अमित शाह कम और कश्मीरा शाह ज़्यादा बोल रही है। आपकी फिल्म अभी रिलीज हुई फिल्म बहुत अच्छा लोगों हाँ मनी बैग गारंटी अपना सॉरी बिग बॉस बहुत फेमस हुई है और बहुत अच्छी चल रही है देश और दुनिया में 9 तारीख को और भी इंटर में भी लग रही है सब तरफ लग रही है और आप सबका धन्यवाद आप इतना प्यार करते हैं प्यार बनाए रखिए। मित्रता दिवस अभी ख़त्म हुआ है और मैंने कहा दुनिया का सबसे अच्छा चित्र मेरा प्यारा मित्र है। मित्र आप हैं तो हम हैं और आप अगर नहीं हैं तो फिर क्या पानी कम है। कश्मीर जो मित्रों का आपने बोला कि चित्र जरूरी है भी कश्मीर हर घर में हो सकता है उसके लिए क्या कहेंगे। बिल्कुल लेकिन इस पर रामदास आठवले कह रहे हैं कश्मीर पे लोग शेर सुना रहे हैं सड़े गले कश्मीर पे लोग शेर सुना रहे हैं सड़े गले मेरे हिसाब से वो शायर है नल्ले नल्ले कश्मीर पे सबसे अच्छे शेर सुना रहा है आपका फेवरेट शायर रामदास आठवले। थैंक यू। मैं उनको नमन करती हूँ वैद्य जी को कि ऐसी स्त्री शक्ति की ज़रूरत है हमारे देश में जो कि इतनी संघर्ष करके भी अपना पेपर चला रही है और यह दे धक्का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बिना धक्का का कुछ होता नहीं है। ये धक्का की ज़रूरत है कि जैसे कोई जब कोई महिला भी है उन्हें भी एक धक्का की ज़रूरत क्योंकि उनमें इतनी शक्ति है
धक्का से हम उनको समझा सकते हैं कि हम एक स्त्री शक्ति है, हम माँ दुर्गा की ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए धक्का की बहुत ज़रूरत है सारे औरतों को भी जगाने के लिए, हमारे पुरुष को भी जगाने के लिए कि हमारे अंदर जो सब कुछ है हम किसी के मोहताज नहीं रहे, खुद को बदल डालें, धक्का दें अपने आप को, तो ये धक्का सबको जगाने के काम करेगी। और वैदेही जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ इतना बड़ा काम करने के लिए, एक इतना अच्छा पेपर चलाने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने इनका जिंगल गाया है, अगर आपको याद हो तो एक टाइम बता दें। मैं चलते फिरते कोई बात नहीं। और आज के कॉन्क्लेव में जिस विषयों पे बात हुई, संगीत बहुत बड़ा माध्यम है। संगीत, हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे, सब बच्चे से लेके बूढ़े तक संगीत को लेके चलेंगे तो स्ट्रेस फ्री लाइफ लीड करेंगे। और सपना जी ने भी कहा ना कि हमें एक गुरु की ज़रूरत है, वाकई ये सच है कि हमारे ज़िंदगी में अगर सदगुरु राह देने वाला कोई हो ना तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। और गुरु शिष्य परंपरा की बात भी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि पहले ज़माने में आप देखिए जब बच्चा जन्म होता था ना तो 7 साल तक वो माँ बाप के पास रहता था, फिर उसे गुरु घर पे भेजा जाता था, क्योंकि गुरु ही शिक्षा देती है, गुरु ही राह दिखाते हैं, गुरु की बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो उसी तरह हमारे भी जो स्कूल है ना वो उस तरह से, जो हमारे टीचर का भी एक गुरु बन के शिक्षा देना पड़ेगा, गुरु बनना पड़ेगा, गुरु का भी बहुत बड़ा रोल रहता है ज़िंदगी में। तो हमारे सब टीचर वो गुरु बने और विद्यार्थी को, माँ पहले टीचर है उसके बाद वो विद्या लेने के लिए बाहर जाते हैं, टीचर गुरु बन के आते हैं, तो वो गुरु शिष्य की परंपरा फिर से चले। हम अच्छा गुरु बने तो शिष्य को हम बहुत कुछ दे सकेंगे, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और जितनी भी पर्सनालिटीज़ यहाँ पे थी सबने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से टॉपिक्स डिस्कशन हुए, जहाँ धार्मिक बात भी उठ रही थी और जर्नलिज्म की बात हो रही थी। तो ऑब्वियसली आफ्टरनून न्यूज़पेपर को 11 साल कंप्लीट उन्होंने पूरे किए और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और बिना बायस्ड होकर अपनी ओपिनियन रखना इस प्लेटफॉर्म पर और उसको 11 साल तक मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। धक्का जिस इंटेंशन से वैदेही जी ने शुरू किया है आफ्टरनून के थ्रू, वो बहुत ही बड़ा एक धक्का है जो ज़रूरी है आज की सोसाइटी में और आजकल जो भी हो रहा है आसपास उसके लिए सच में एक धक्का देने वाला काम है जो हमें सबने मिलके उस सपोर्ट करना है। तो उसके लिए बहुत ही शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों की, कुछ नया शुरू किया, थैंक यू। देधक्का एक ऐसा प्रयास है कि लोग अपनी बात जो सरकार, हेलो एकता, देधक्का एक ऐसा प्रयास है कि जहां लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और जो लोग सरकार तक अपनी बात को नहीं रख सकते या उनकी कोई ग्रीवेंसेस और शिकायतें हों तो हम वो सरकार तक पहुंचा के उन्हें हल ढूंढने का कोशिश करेंगे। और ये लोगों के अभिव्यक्ति के लिए एक संसाधन हमने बनाया है जहाँ पे लोग आराम से अपनी वीडियोस बना के अपनी शिकायतों को दर्ज करके हम तक पहुँचा सकते हैं और एक प्रयास है जहाँ से एक लोगों की बातें और शिकायतें पावर कॉरिडोर तक पहुँचाने का। आपने अभी तक जैसे 15 हमने सुना कि 113 से ज़्यादा जर्नलिस्ट लोगों को आगे बड़े चैनल में या बड़े पब्लिकेशन में काम करने के लिए आपने जो मेंटर बनके काम किया, तो उसके बारे में कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? 11 साल कंप्लीट कर लिया आपने, खुशी मुझे उनको मेंटोर करके होने से ज़्यादा है कि खुशी आज उन्होंने जो ऊंचाई है छुई है उसको देख के होती है, क्योंकि मुझे भी मेरे टीचर ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा तभी मैं आज यहाँ तक आई हूँ, तो मेरे टीचर ने बहुत से बच्चों को पढ़ाया होगा तो वो खुशी वो तब जाहिर कर पाते होंगे जब हम कहीं मुकाम पर पहुँच के उनको बोलते हैं कि सर आज हम यहाँ पर हैं, तो बस वही खुशी मुझे होती है। और मैं चाहती हूँ कि और अच्छे जर्नलिस्ट यहाँ से बने और आगे ट्रेनिंग लेके अच्छे मीडिया हाउसेस में जाएं। और ये एक्टर को आप ट्रेन करें, आपके सानिध्य में कैसा लग रहा है इसे? ये
मेरे लिए एक्टर नहीं है, मेरे लिए वो एक पोटेंशियल है जिसमें मैं एक फ्यूचर देख सकती हूँ और जिसमें मैं एक 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 अस्तित्व मीडिया का देख सकती हूँ जो इस जनरेशन को लेके आगे की जनरेशन तक जाए। और शी इज लाइक माई बिग सिस्टर, लाइक जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी डाउट होता है, सो शी इज द ओनली पर्सन, लाइक दीदी ये ऐसे कैसे करूँ, शी इज द लाइक ओनली गाइडलाइन जो मुझे सेकेंड टाइम में मिल जाती है। एंड लाइक आज भी यही हुआ, मुझे पता नहीं था मुझे आज अवार्ड का कुछ मिलने वाला है, मुझे ये पता था आज ऐसे ऐसे बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है क्योंकि कल मेरा SST एग्जाम है, एकदम से आपने मिला, सो शी इज द बेस्ट पर्सन, बेस्ट पर्सन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स।